मूंग दाल के पकोड़े या भजिया गरम गरम आप बहुत सारे टाइप से बना सकते हैं। तो आइए आज और एक नया ट्विस्ट देते हैं इस मूंग दाल के पकोड़े या भजिया को। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कप ये मूंग की दाल ले ली थी और उसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगा दिया था पानी में। अब उस मूंग की दाल को हमने धो लिया है और इसे हम मिक्सर के जार में डाल देंगे। अब इसमें ट्विस्ट के लिए हम डालेंगे ये नारियल के कुछ पीसेस। तो जितना आप क्रिस्पी पसंद करें उतना नारियल इसमें डालें। ज़्यादा डाल दिया है, आप इसमें थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं अगर सॉफ्ट पकोड़े खाने हैं तो। ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका बारीक पेस्ट पीस लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह, इसमें मेरा 1/4 कप तक पानी लग चुका है और ये मिश्रण तैयार है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। नारियल का टेस्ट मूंग दाल के साथ बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर एक बार ये ट्राई करें। और इसे हमें फेंट लेना है 2 से 5 मिनट तक। अच्छे से फेंट लें इसे और बारीक जितना हो सके उतना पीसें। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, ये कम तीखी वाली मिर्चें हैं। और 10 से 12 करी पत्ते डालेंगे बारीक कट करके। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे ग्रेट कर लिया है। और 1 चम्मच पेपर पाउडर डालेंगे, काली मिरी का पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिश्रण अगर गाढ़ा लग रहा हो तो इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल दें और पकौड़ों के कंसिस्टेंसी का बैटर बना लें। अब हम तेल गरम कर लेंगे कढ़ाई में तलने के लिए। जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें हम छोटी छोटी इस तरह भजिया या पकौड़े डाल देंगे तलने के लिए। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें जब आप पकौड़े तलने के लिए डाल रहे हैं, नहीं तो वो एक साइड से बहुत जल्दी पक जाएंगे। मीडियम रखें और इसे फ्राई होने दें 2 से 3 मिनट के लिए और फिर हम इसे पलट देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं और जब तक ये गोल्डन सुनहरा कलर आ जाए इसमें तब तक हमें इसे फ्राई करना है। और फिर बाद में इसे हम निकाल लेंगे पूरा तेल छानकर। और लीजिए रेडी है ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी, बहुत ही अलग टाइप से मूंग दाल के पकौड़े। आप ज़रूर ट्राई करें, पसंद आएगा। रेसिपी और पकोड़े अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें सभी लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।